जनवर टाइम्स के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं सोहेल। 24 घंटे में 601 मामले, अब तक कुल 2902 संक्रमित, 68 लोगों की मौत, 184 हुए ठीक। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का सिलसिला अभी भी जारी है। कोरोना का कहर सारी दुनिया के साथ साथ भारत में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 68 लोगों की जानें जा चुकी हैं और संक्रमितों में संख्या 2900 के पार हो चुकी है। देश भर में अभी तक कुल संक्रमित 2902 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 601 मामले सामने आए हैं, जबकि इन्हीं 24 घंटों के भीतर 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी खबरों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि इसके संक्रमण से कुल 184 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह आंकड़े जारी किए गए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि भारत में फंसे 112 फ्रेंच नागरिकों को एयर इंडिया के विशेष विमान से पेरिस ले जाया जा रहा है। विमान ने आज सुबह उड़ान भरी। पहले विमान मुंबई जाएगा और फिर वहां से सीधे पेरिस के लिए उड़ान भरेगा। यह सभी फ्रेंच नागरिक कोची, बेंगलुरु और मुंबई में फंसे थे। यूपी में दूसरी तरफ आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि आगरा में कोरोना वायरस के 25 और नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 45 पहुंच गई है। जनवर टाइम्स से जुड़े रहने के लिए जनवर टाइम्स के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।